यो शुभ यो हनी सिंह, मैं आज आया हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी अभी हनी पाजी के बोनीता सॉन्ग ने पूरे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो नंबर वन के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं उसको लेके तलविंदर, ग्रीक अमन और बॉलीवुड हंगामा ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो एमसी इनसेन नाम से एक रैपर है जिन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं कभी भी हनी सिंह, एमी वे, गिरफ्तार, नेजी, डिवाइन इन सबको गलत नहीं बोलूंगा, ये पांचों मेरी इंस्पिरेशन। खैर अभी हम लोग बात करें इशो बॉय जियान की, तो क्या इसने फिर से हनी पाजी को पोक कर दिया है? क्या इसका हनी पाजी को लेकर डिस आने वाला है? वेल, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन जियान कभी भी नहीं सुधरेगा। पहले तो इसने लाइव शो में माफी मांगी थी, लेकिन रिसेंट इंटरव्यू में इसने फिर से हनी पाजी को पोक कर दिया। इसने अभी इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसके कैप्शन में ये हनी पाजी की तकदीर लिखने की बात कर रहा है। मतलब खुद का करियर है नहीं, खुद हनी सिंह का नाम लेके फेमस हुआ है और उसी की तकदीर लिखने की बात कर रहा है। वाह क्या गांडू है। अगर गलती से भी इसका कोई हनी पाजी को लेकर डिस आ गया तो सारी की सारी पब्लिक इस बार इसका क्या हाल करेगी वो इसे पता भी नहीं। एक बारी आप लोग इसका कमेंट सेक्शन देखो, सब लोग बस क्लाइंट 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 कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी बिल्कुल शर्म नहीं आती। खैर इसे मारो गोली। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अभी अभी हनी पाजी का एक छोटा सा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने काफी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। शाहरुख खान और ग्लोरी एल्बम के ऊपर भी रिप्लाई किया है, आप लोग पूरी वीडियो देख लो। यो शुभ यो हनी सिंह, मैं आज आया हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने सिर्फ 91 सेकंड्स में। चलो शुरू करते हैं। सिंह, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन ड्रॉपिंग लॉट्स ऑफ आरएनबी म्यूजिक फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। नाउ इन एल्बम ग्लोरी इट्स लॉट्स ऑफ रैप इन इट, उर्दू रैप, पंजाबी रैप, हिंदी रैप इज देयर। आई प्रेफर स्टूडियो एज वेल, इन स्टूडियो आई एम वेरी काम, इन स्टेज आई एम वेरी वाइल्ड। ग्लोरी एल्बम इज टोटली इंस्पायर्ड बाय ऑल द एथनिक artist worldwide and the modern artist worldwide. New lads coming up in the scene. Dead would be Chamkila and living is one and only Aram Ansar. My favorite track in Glory is Rap God and Bonita. The best era of hip hop was actually 2000, because when I started making music it was 2000. It was the time of Swizz Beatz, time of Timbaland, Dr. Dre, Scott Storch. So that was the biggest time. My rap is Rahe Aap Pareshan. It's crazy. It's just from the streets. I'm not a trained artist. I'm not well experienced. मैं तो कहता भी नहीं। मैंने rap god गाने में एक line भी मैंने लिखी है उसमें, बाकी सारा लियो ने लिखा है कि मैं तो कदे आख्या नहीं मैंने rap आंदा, तो हमें सारी कह दी आप हम rap god। मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। Best advice I received from शाहरुख भाई। Actually he noticed that thing in me and he explained me that ki tu sare gaane dil se banata hai, dimag se nahi banata, to usko dil se banata rahi ho. Thanks for all your questions and now just go and stream Glory on Spotify. Do not miss it. So abhi ke liye bas itna hi, yahan tak aaye ho to like ka button daba ke jana. Milta hu main aapko next video mein. Till then bye bye.